आज हम बनाएंगे मूली की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आपने मूली की भुर्जी या फिर मूली के पराठे बनाकर ही खाए होंगे, लेकिन आज हम जिस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे, जिनको मूली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी इस सब्जी को हफ्ते में 3 से 4 बार बनवा कर खाएंगे। और इसको बनाना तो इतना आसान है कि आप 10-12 मिनट में ही इस सब्जी को बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं मूली की टेस्टी और चटपटी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने ली है एक मूली, और ये मूली के छोटे छोटे पत्ते तोड़ लिए। पत्तों के बीच में जो पतली पतली डंडियां होती हैं वो नहीं लेनी, सिर्फ पत्ते ही लेने हैं। अब मूली को छील लेंगे। छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर लेंगे। ज़्यादा बारीक कद्दूकस से इसको कद्दूकस नहीं करेंगे, मीडियम वाले से करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये मूली की सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मूली को हमने कद्दूकस कर लिया। अब इन पत्तों को भी बारीक बारीक काट लेंगे। आप मूली के पत्ते सब्जी में नहीं डालने चाहते तो कोई बात नहीं, इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब्जी में ये पत्ते डालेंगे तो सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। पत्तों को भी हमने बारीक बारीक काट लिया। अब कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं जो आप घर में यूज करते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा भुनने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ी साइज की प्याज कद्दूकस की हुई। अब इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। आप प्याज को कद्दूकस करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसको बारीक बारीक काट कर या फिर मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसको भी प्याज के साथ भून लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 1.5-2 मिनट में ही प्याज थोड़ी भुन गई। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही डालेंगे नमक। इसको थोड़ा चम्मच से चला देंगे ताकि प्याज जले नहीं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास है तो ज़रूर डालना, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये मिर्च तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको चम्मच से चला देंगे और मसालों को थोड़ा भून लेंगे। इस तरह से प्याज में मसाले डालकर भूनते हैं तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। मसाला अच्छे से भून गया। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर, मैंने इनको मिक्सी में पीस लिया था। इसको भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही डालेंगे गरम मसाला। इनको भी अच्छे से मिला देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, मैंने 1 छोटी कटोरी पानी डाला है। अब इसको फिर से चम्मच से थोड़ा चला देंगे। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए मसाले को ढककर पकाते हुए, इसको थोड़ा चम्मच से चला देंगे। ये देखिए, मसाले से तेल सेपरेट हो गया, बहुत ही अच्छा मसाला बना है ये। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। आप प्याज के साथ भी लहसुन को डालकर भून सकते हैं, लेकिन जब सारा मसाला भून जाता है और उसके बाद लहसुन डालते हैं तो सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आती है लहसुन की, और यदि कोई लहसुन नहीं खाता तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। अब इसको फिर से चम्मच से चला देंगे। अब बिना ढक्कन लगाए ही इसको पकाएंगे, और जब तक ग्रेवी में उबाल आएगा तब तक हम सब्जी के लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब ये जो हमने मूली कद्दूकस की थी उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही डालेंगे नमक। नमक हमने तड़के में भी डाला है तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। 1/2 चम्मच ही डालेंगे मिर्च, मिर्च भी हमने तड़के में डाली है तो मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। और बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे हींग, यदि किसी को पसंद नहीं है हींग तो बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर,
और अब इसमें डालेंगे 5 चम्मच बेसन। अब इसको हाथ से ही अच्छे से मिलाएंगे। बेसन इसमें यदि ज़्यादा डाल देंगे तो जो हम इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे वो पकने के बाद बहुत हार्ड हो जाएगी, इसलिए बेसन इतना ही डालना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि मूली में काफ़ी पानी होता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया और ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसमें भी अच्छे से उबाल आ गया। अब इस बैटर की छोटी छोटी बॉल बना लेंगे, ना ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी, जैसे छोटी मंगोड़ी होती है ना बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे। अब इसको ग्रेवी में डाल देंगे, गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे। यदि गैस की फ्लेम को लो पर या मीडियम पर रखेंगे तो जो ये मूली की मंगोड़ी है ग्रेवी में घुल जाएगी, यानी कि सारी टूट जाएगी। अभी इसको चम्मच से नहीं चलाएंगे, 1-1.5 मिनट के बाद ही इसको पलटे से या चावल डालने वाली चम्मच से चलाएंगे, ताकि हमारी ये जो मूली की मंगोड़ी है वो टूटे नहीं। गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखना है। जब ये मंगोड़ी 2 मिनट पक जाएगी उसके बाद ही इसको ढककर पकाएंगे। यदि मंगोड़ी को ग्रेवी में डालते ही ढककर पकाएंगे तो ये जो मूली की मंगोड़ी है ग्रेवी में घुल जाएगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना है। और यदि आपने इसमें पानी कम डाला है तो इसमें गर्म पानी करके और डाल सकते हैं। अब इसको ढककर 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन इसको बीच बीच में चम्मच से चलाते जरूर रहना है और गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे। 6-7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसको देख लेते हैं, हमने इसको बीच बीच में भी चेक किया था, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। आप अपने हिसाब से पतली गाढ़ी ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, इसको भी मिला देंगे इसमें। आप इसको मूली के कोफ्ते भी बोल सकते हैं या फिर मूली की मंगोड़ी। आप अपने परिवार को एक बार ये सब्जी बनाकर खिलाएंगे तो बड़े तो क्या बच्चे भी ये सब्जी बार बार बनवाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। ये अच्छे से पक गई, अब गैस को बंद कर देंगे। आपको ये मूली की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।